हम लोगों ने सोचा था हम लोग साथ आएंगे एक दिन, और ये देखो कितनी इमोशनल फोटो भी अच्छी आती है। फोटो जिंदगी भर आएंगे भी तो हम साथ, सही है? But Lamborghini Urus का सपना was a big dream and finally guys we have achieved it together. The thing is जल्दी हमारी Lamborghini Urus आने वाली है। पहुंच गए guys बाबाजी के पास। I wish बाबाजी सब आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, सारी प्यार बरसा के रखें। जय श्री केदार। ये फ्रेंड है मेरी बाबाजी। Guys meet गीता, meet बबीता। तो यार एक नया iPhone 14 वो भी 1 रुपए में जीतने के लिए। तेरी आँखों का काजल ना फैले। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode guys. Welcome to that episode guys, जहाँ पर हम लोग केदार भगवान जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लास्ट एपिसोड में ऑलरेडी सो कितनी चीज़ें हुई थी, वो तो शुक्र है कि हम लोग सही सलामत परग भाई को ऊपर के लेके आ गए। लास्ट वाले ब्लॉग में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भगवान जी आप सब लोगों की हेल्थ सही बना के रखे। सुबह परग भाई की तबियत तो खराब हो गई थी हल्की फुल्की, सतीश जी की तबियत भी खराब हो गई थी। बट द थिंग इज गाइस, हम लोग सुबह पहुंचे थे लकी के टेंट्स में। यू ऑलरेडी नो दिस गाय, व्हाट्सअप, क्या हाल है लकी? बढ़िया। आपको पता है गाइस, जब भी हम लोग केदारनाथ आते हैं लकी के टेंट्स में रुकते हैं। आप भी आओगे तो यू कैन स्टे हमेशा से। मतलब कौन सा साल है हमारा लकी? दूसरा साल होगा, चौथी बारी होगा, बट दूसरा साल इसी के साथ होगा। तो हम लोग हमेशा इसी के टेंट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, यू कैन कॉल हिम, कभी भी कहीं पे भी टेंट्स मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी का प्लान क्या है। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए गाइस। अभी ना अंदर वाले दर्शन नहीं होंगे, बाहर वाले दर्शन होंगे, फिर हम लोग जाएंगे भैरव बाबा जी के टेम्पल 2। सो फटाफट फटाफट सब लोगों को रेडी करते हैं गाइस और निकलते हैं दर्शन करने के लिए। गाइस चेक दिस आउट, सुंदर लड़की से फिर से सूट में मिल गई है। भाई कितनी सुंदर लगती हो तुम सूट में, पता है? भाई सच्ची में सूट ही पहनना, सूट में जितनी सुंदर लगती है ना किसी और ड्रेस में नहीं लगती गाइस। और केदारनाथ आकर के सूट पहनना तो बनते हैं। फिलहाल मैं, हर्ष, ऋतिका सब लोग जा रहे हैं, भव्या नहीं जा रहे हैं, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, यू नो शी कांट एंटर टेम्पल। फिलहाल पारक भाई भी बाहर आते हैं, मिलाते हैं आपको, तबीयत पूछते कैसी है। हाँ भाई परिंदे घर आ जा, तू तो वही लग रहा है पूरा, क्या उसका नाम, नादान परिंदे घर आ जा, रॉक स्टार। तू क्या इवेंट के लिए जा रहे हैं ऊपर? पूजा के लिए जा रहा हूँ। हाँ ओके ओके। हाँ जी तबीयत ठीक है? All good, thank you so much Anu. अरे and the team. कोई thank you नहीं, बस मैं आपको बताता हूँ, जब एक परिवार साथ आते हैं ना तो we take care of each other। और नीचे से कमेंट करके जाते हैं कि दर्शन करवाने, पैदल पैदल ही करवाए गाइस। पहुंच गए ऑलमोस्ट। इन्होंने बस आखिरी का 1 किलोमीटर करा था गाइस, वो भी पालकी में, वो भी जब बहुत एक्सट्रीम हो गया था, बट ही डिड इट, ही कमिटेड कि पैदल ट्रैक करेंगे, कर लिया। बाकी सब लोग भी आ रहे हैं, जैकेट वैकेट पहन लो, तबीयत खराब ना हो जाए। सतीश जी तबीयत ठीक है? बढ़िया। आपकी तबीयत खराब होगी तो हमें हमें कौन संभालेगा? भाई अगर सतीश जी की तबीयत खराब होगी तो हमें कौन ही संभाले? गीता बबीता है ना? हाँ गाइस मीट गीता, मीट बबीता। इनका नाम रखा है, इनका नाम बीटू, उनका नीटू। भाई आपका असली नाम क्या है? वरुण। वरुण और नीटू। नीट नीटू गाइस, लेट्स गो, चलते हैं। तो गाइस चेक दिस आउट, टॉपर्स उड़ रहे हैं। न्यूज तो आई थी कि वो G20 समिट के कारण चॉपर्स नहीं उड़ रहे हैं, बट आई डोंट नो उस न्यूज़ का क्या हुआ। हम लोग आते हुए तो चॉपर से नहीं आ पाए, बट जाते हुए हम लोग ट्राई करेंगे कि चॉपर से चल जाए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इसकी तबीयत खराब हो। एंड मैं आपको बता देता हूँ, बेस कैंप के बाद ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का और ट्रैक है गाइस केदारनाथ टेम्पल तक का। सुबह हम लोग पैदल पैदल टेम्पल तक जा रहे हैं गाइस, बट एक ही इंसान सबसे सुंदर लग रहा है यहाँ पर। आज एक रील बनाएंगे ऋतिक हाथ से, ये अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींद गिराते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था ना कि इंडिया पाकिस्तान मैच में आपको कैसे मात्र 1 रुपए में एक नया आईफोन 14 जीतने का मौका मिल सकता है, बट वो मैच वॉश आउट हो गया गाइस। बट टेंशन नॉट, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे मात्र 1 रुपए में यू कैन हैव अ चांस टू विन अ न्यू आईफोन 14, वो भी 1 रुपए में। और इतना ही नहीं, आपको 5,000 रुपए का बोनस भी मिलेगा, वो भी आपके सीधा वॉलेट में। तो वीडियो आगे तक देखते रहना यार। तो यार एक नया आईफोन 14 वो भी 1 रुपए में जीतने के लिए, एंड 5,000 रुपए का वेलकम बोनस जो कि आपके वॉलेट में सीधा आएगा, उसको पाने के लिए गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। मैंने माय 11 सर्कल का डाउनलोड लिंक दे रखा होगा गाइस, जाओ जाकर के माय 11 सर्कल आप डाउनलोड करो एंड साइन अप करो गाइस मेरे लिंक से, एंड जाओ जाकर के टीम बनाओ गाइस 10 सितंबर के मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए। एंड द थिंग इज गाइस, ये जो कॉन्टेस्ट है ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए, ये केवल मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड रखा है। तो जिन लोगों ने लास्ट टाइम ज्वाइन नहीं किया था ना, इस टाइम जाकर के ज्वाइन करो, बार बार मौका नहीं मिलता है 1 रुपए में आईफोन जीतने का गाइस। और जिन्होंने पिछली बार ज्वाइन करा था और मैच नहीं हो पाया था, तो इस बार अगेन आपके पास
मौका है गाइस बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस जीतने का। जैसे आप माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे गाइस, एंड आप जैसे ही फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो आपको 5,000 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। फर्क नहीं पड़ता आप जीतो या हारो, ये 5,000 रुपए का वेलकम बोनस सीधा आपके माई 11 सर्कल ऐप वॉलेट में जाएगा। और इतना ही नहीं गाइस, टॉप प्राइज में ना आप एक महिंद्रा थार भी जीत सकते हैं एशिया कप टूर्नामेंट में। तो देखिए इस बात के गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने माई 11 सर्कल ऐप का डाउनलोड लिंक दे रखा होगा, मेरे लिंक से जाकर के डाउनलोड करोगे एंड साइन अप करोगे तो 20% एक्स्ट्रा कैश डिपॉजिट मिलेगा। तो देरी मत करना, डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप, जाओ जाकर के अपनी टीम बनाओ एंड विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कड़ी कड़ी का कुंभ में, एंड द थिंग इज गाइस, लकी हमें एक चीज बता रहे हैं। लकी क्या बता रहे हो भाई? यहाँ पे जब पार्वती के झुमके गिरे थे वो अभी तक आवाज करते हैं, मतलब यहाँ पे वो अभी तक मिले नहीं है मतलब। तो गाइस यहाँ पर बोला जाता है कि जब बम बम बोले बोलते हैं ना, तो फिर वहाँ से जो बुलबुल उठते रहे। देखते हैं गाइस। ओम नमः शिवाय। हर्षोदय सच्ची में भाई, वाही बम बम बोले नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिन्हें चढ़ने के लिए हर हर महादेव भाई ने वो सीढ़ियां गाइस जहाँ हर किसी को आने का सपना रहता है वो चेक करो। वी हैव बाबा जी का टेम्पल ओवर देयर। खुशी मिलती है जब ये सीढ़ियां चढ़ते हैं ना गाइस, ऐसा लगता है बस पहुंच गए अपने बाबा जी के पास। तुम जरा मेरे पास अब बैठे हैं हम भी यहाँ, दिल के दरमियाँ बारिशें बारिशें है तेरी ही बातों पे मैंने सजा लिया दुनिया यहाँ। ओके गाइस पहुंच गए फाइनली हम लोग बाबा जी के पास। ये चेक करो गाइस, पहुंच गए बाबा जी के पास। इतनी खुशी मिलती है गाइस ये मंदिर देख करके। एंड थिंग हम लोग बहुत बेस्ट टाइम पे आए, अभी ना पूजा शुरू होने वाली है गाइस, आरती शुरू होने वाली है। हैप्पी ओम नमः शिवाय। हैप्पी मालिक। एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू मत बोलो, दर्शन थैंक यू किसी को मत बोलो क्योंकि बाबा जी का वो था इसलिए आप आए हो। इनविटेशन को क्या बोलते हैं? आमंत्रण। गाइस बाबा जी के साथ वी आर फाइनल ईयर और सबको जय केदार बड़े भंडार, जय केदार बाबा जी, सबको आशीर्वाद दे दीजिए बाबा जी। सब सुखी रहो, खुश रहो, सब ऐश करो। मेरे को प्रभु जी मत बोलो, वहाँ प्रभु जी। शुक्रिया। मेरे पास अब बैठे हैं गाइस बाबा जी के पास। आई विश बाबा जी सब आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, सारी प्यार बरसा के रखें। जय श्री केदार। तो गाइस मैं आप लोगों को बता रहा था ना उस पत्थर के बारे में, उन पत्थर को ना एक्चुअली भीमशिला बोलते हैं। ये चेक करो, ये वो पत्थर था जब आपदा आई थी ना गाइस, जी सबसे स्ट्रांग था भीम जी के तरह, उन्होंने केदारनाथ जी को प्रोटेक्ट करा। यहां से पूरा फोर्स आकर के ना पूरा टेंपल बच गया भाई, मानो ना मानो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अभी हम लोग भीमशिला के अंदर जा रहे हैं गाइस, लेट्स गो। ओके गाइस हम लोग जा रहे हैं भीमशिला पे एंड हम लोग एक विश मांगेंगे। यहाँ पर बोलते हैं अगर आपका सिक्का चिपक गया तो आपकी विश पूरी हो जाएगी गाइस। हो गया हमारी। ओके गाइस चेक करते हैं ये। चिप चिपक गया, हमने किसी और का सिक्का मिटा दिया गाइस, भगवान उनकी विश भी पूरी कर देना। इधर से आ जाओ सामने से, इधर आ जाओ। तो यहां पर जो भी पितृ जी होते हैं ना हमारे, okay. तो उनको बनाते हैं। okay. तो मुझे किसी के लिए बनाना है। okay. तो चल ले उनकी वाला शांति के लिए। हां बना सकते हो, आप पूछ के लियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। किसके लिए कर रही हो तुम ये? तुम्हें पता है ना मुझे दुनिया को नहीं बताना। हम लोगों ने सोचा था हम लोग साथ आएंगे एक दिन और ये देखो कितनी इमोशनल हो रही है। फोटो रोता कौन है? चन्ना मेरिया मेरिया। जिंदगी भर आएंगे भी तो हम साथ, सही है? जय सही है। सर मैं आप लोगों को बता देता हूँ पिछले एक घंटे में क्या हुआ है। हम लोग गए थे मंदिर के अंदर गाइस एंड हमारे दर्शन में बेसिकली ये श्रृंगार दर्शन थे, तो यहाँ पर आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते थे,
बस जा करके आरती इंजॉय करी हमने पहली बारी रखते का हमने पहली बारी इंजॉय करी होगी ना ये तो रोने लग गई थी भाई से कैसे करके चुप कराया सनातनी वो लड़की कैसे मिल गई इतनी धार्मिक मैं सनातनी ही हूँ और तुम भी सनातनी ही हो बट इतनी डेडिकेटेड मैंने लड़की आज तक देखी फरक भैया व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बहुत अलग था मतलब जब दर्शन के लिए अंदर बैठे आरती के लिए मेरे आंखों से ऑटोमेटिकली ना वो आंसू आ गए कि क्या मांगना भगवान से उन्होंने तो बहुत सब कुछ किया थी हर्ष भी रो रहा था भाई अंदर नहीं बस मेरे को ये था कि सब लोग खुश रहे हम अभी केदारनाथ टेंपल पे गए भगवान केदार बाबा जी आपकी पूरी रक्षा करें और आपके सारे सपने पूरे करें जय केदार बाबा गुलाबी दिल कमेंट सेक्शन में स्पैम गाइस दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे अभी पूजा मेन पूजा बाकी गाइस बाय द टाइम हम लोग खाने आए गाइस मस्त राजमा चावल हमने मोमोज भी खाए अभी मैं भव्य का ट्रेन में गया था वापस बेचारी की तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब है यार तो शी कांट मूव आउट ट्रेन में हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग मोमोज लेकर के जाएंगे मोमोज आपको पता है मेरी बहन की एक ही फेवरेट है फिलहाल अभी राजमा चावल खाते हैं मेन आरती का टाइम शुरू हो रहा है लेट्स गो ओके यार फाइनली हम लोग गए थे मंदिर के अंदर एंड हमारे दर्शन हो गए एकदम मस्त जब शिवलिंग जी का स्नान कराते हैं ना गाइस तो फीलिंग अल्टीमेट ही रहती है फिलहाल अभी रात का समय तो इतनी भीड़ भूड़ भी नहीं है एंड थिंग इज गाइस ये चेक करो ये रहा मंदिर रात के टाइम ना इतनी भीड़ भूड़ नहीं है तो अब अच्छे से दर्शन हो गए आप लोग भी लास्ट बारी दर्शन कर लो इसके बाद हम भव्य से मिलने जा रहे हैं बिकॉज वो बेचारी अकेले कब से वेट करिए हमारा जय श्री केदार बाबा मिलते हैं सीधा आपसे अपने टेंट पर ओके बॉयज फाइनली हम लोग जिस चीज के लिए आए थे हमारे केदार बाबा जी के दर्शन हो गए कैसे रहेगा इस दर्शन ये बताओ सब लोग बढ़िया एकदम जय बाबा केदारनाथ बहुत अच्छा लगा भगवान सबको सुख संपत्ति दे सतीश जी को 4 बच्चे दे परक भैया को 8 बच्चे दे गए और हर्ष को 12 बच्चे दे को भी केदारनाथ ही लेकर आऊंगा फिर बट यार आज का दिन बहुत अमेजिंग रहा मैं आपको बता दूं बहुत कम लोग हैं जिन्हें एक्चुअली शिवलिंग को स्नान कराने के लिए मिलता है गाइस एंड वी वर वन ऑफ देम भगवान जी जब केदारनाथ जी तभी आते हैं जब बाबा जी बुलाते हैं जब भी कॉल आए ना गाइस तो हमेशा आना यहाँ पर दर्शन कराने के लिए सारे पंडित जी लोग अपने हैं सब लोग अपने हैं They will treat you well, मेरे एंड से अभी चलते हैं भव्य के पास बेचारी आज हम लोग भव्य को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे ना बेचारी की तबीयत खराब हो गई जाके मिलते हैं उससे टेंट पर सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस क्यूटी से लोग आज इस व्लॉग को शुरू कर रहे हैं आपको एंड थिंग इज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कल रात हम लोग वापस टेंट में सो गए थे बिकॉज ठंडा ज़्यादा हो गया था तो वी कुडंट व्लॉग एनी मोर बट मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग केदारनाथ जी क्यों आए वापस बहुत सारे लोग ना ये सोच रहे होंगे कि बाबू भैया अभी तो आपने केदारनाथ जी करा था लास्ट टाइम एक बहुत बड़ी मन्नत मांगी थी एंड वो मन्नत कंप्लीट हो गई है ये मेरी जिंदगी का ना सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है मुझे भगवान जी से 2020 आज तक यहाँ पर आने में ना इतनी सफलताएं दी है भगवान जी ने बट ये जो चीज़ होने वाली है ना ये बहुत खतरनाक होने वाली है एंड द थिंग इज मैंने आपको बोला था ना कि मैं जब बाबा जी के पास होऊंगा तो ही मैं आपको वो सपना बताऊंगा सपना ये था गाइस कि मैंने आपको बोला था ना कि हम लोग लैम्बोर्गिनी उरुस का प्लान कर रहे हैं कब से हम लोगों ने सुप्रा ले ली थी गाइस बट लैम्बोर्गिनी उरुस का सपना वॉज अ बिग ड्रीम एंड फाइनली गाइस वी हैव अचीव्ड इट टुगेदर द थिंग इज जल्दी हमारी लैम्बोर्गिनी उरुस आने वाली है यही पूरा बैक एंड का प्रोसेस था जो मैं आप लोगों को बता रहा था कुछ दिन और मैं बता देता हूँ एक काउंटडाउन शुरू करते हैं लैम्बोर्गिनी उरुस के लिए काउंटडाउन शुरू करते हैं आज है गाइस 9 सितंबर आज से एक महीने का काउंटडाउन आज से 30 डेज का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा पासपोर्ट है तुम्हारा बना दिया ना मैंने एप्लीकेशन दे दिया गाइस 30 डेज का काउंटडाउन शुरू करते हैं एंड वी विल बी गेटिंग लैम्बोर्गिनी उरुस दुबई से नहीं लेकर के आ रहे हैं क्या कह रहे हो इंडिया से ही लेंगे जी हाँ गाइस मैं आपको गुड न्यूज दे रहता हूँ लैम्बोर्गिनी उरुस की डील फाइनल हो चुकी है एंड 30 दिन का काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं मैं सोच रहा था पहले 18 सितंबर को रिलीज करता हूँ ये न्यूज बट फिर बाबा जी के पास आकर के रिलीज करी थी मैंने आज से ना गाइस 30 दिन का काउंटडाउन शुरू करते हैं एंड 30 दिन के अंदर गाइस हमारी लैम्बोर्गिनी विल बी हियर विद अस मैं हर व्लॉग में #30 #29 ऐसे करके चलाऊंगा एंड जिस दिन वो #1 वाला ड्रॉप होगा ना तब लोग बहुत खुश होंगे सच्ची बता रहा हूँ मेरा परिवार आप लोग ब्रोसीना क्योंकि सबसे ज्यादा वेट लैम्बो का ही है सबको सब लोग बहुत खुश होंगे आज से काउंटडाउन शुरू करते हैं गाइस लाल किले गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर भैरव बाबा जी के पास क्योंकि ऋतिक और हर्ष तो सुबह सुबह चले गए थे ये लोग सुबह 7 बजे उठ करके चले गए भाई भैरव जी गए फिर हम वहाँ सामने भी गए फिर हम शंकराचार्य जी के पास भी गए पहले सबसे पहले मतलब केदारनाथ जी गए हमने सब कर लिया मन्नत मांगी मिले हाँ सबके लिए मांगी फिलहाल के लिए गाइस ये वाला व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में भैरव जी के साथ और फिर हम लोग नीचे भी उतरेंगे बिकॉज बहुत सारे काम भी है गुजरात राइड की प्रिपरेशन करनी है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में टिल बी सेफ एंड राइट से अब तेरे बिना यहाँ मेरी
तो ये व्लॉग तो खत्म हो गया, लेकिन भूलना मत मैंने डिस्क्रिप्शन में माय 11 सर्कल ऐप का डाउनलोड लिंक दे रखा होगा। जाओ जाकर के 10 सितंबर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए टीम बनाओ गाइस। मेरे लिंक से जाकर के साइन अप करोगे तो 5,000 रुपए का वेलकम बोनस और साथ ही साथ 1 रुपए में नया आईफोन जीतने का मौका भी मिलेगा। डाउनलोड माय 11 सर्कल ऐप एंड सारे सपने पूरे करो यार। अब तेरे बिना